हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर पारस परमार, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, लाइफ कोच एंड गर्भ संस्कार कोच। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मेरे एक सपने के बारे में बात करना चाहता हूं। ये वो सपना है जिसने कई दिनों से मेरी नींद उड़ा के रखी है। ये सपना जब मैंने पहली बार देखा और उस दिन से मेरे मन में एक ख्याल आया, सपना कुछ ऐसा है कि मैं एक बड़े से मॉल में गया हूँ कुछ परचेस करने के लिए। एक स्टोर पर जाकर जब मैंने देखा तो वहाँ पर सॉक्स बिक रहे थे। मैंने प्राइस पूछा तो पता चला कि सॉक्स की प्राइस 12,000 रुपये है। दूसरे स्टोर पर जाकर जब मैंने टाई के बारे में पूछा तो टाई की प्राइस 22,000 रुपये थी। एंड आई एम शॉक्ड, ये कैसे हो सकता है, 12,000 के सॉक्स, 22,000 की टाई। और तब आगे जब मैं दूसरे एक स्टोर पे गया तो वहाँ पर रोलेक्स की घड़ी बिक रही थी 200 रुपये में। वहीं से मेरा ध्यान एक ज्वेलरी काउंटर पे पड़ा, वहाँ 4 कैरेट की हीरे की अंगूठी थी 90 रुपये में। एंड आई सरप्राइज्ड, मैंने सेल पर्सन से पूछा, कह रहे भाई ये क्या है। उसने कहा कि सर पता नहीं, लेकिन कल रात कोई हमारे स्टोर में ये मॉल में घुस गया था और उसने जो भी प्राइस टैग है वो सारी चीज़ों के बदल दिए हैं। उसने सारी चीज़ों के प्राइस टैग बदल दिए हैं और प्राइस टैग बदलने की वजह से लोग अभी जज ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी क्या एक्चुअल प्राइस है। लोगों की जो सेंस है वो सिलेक्शन सेंस भी इससे बदल गई है। देन आई रियलाइज कि हमारे लाइफ में भी कहीं ऐसा तो नहीं है, पैसा, नौकरी, पोजीशन, कंपटीशन, बंगला, गाड़ी, ये सारी चीज़ों के पीछे हम इतना भागते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा लग रही है। और हैप्पीनेस, फैमिली, स्पेंडिंग टाइम विथ चिल्ड्रन एंड वाइफ, फ्रेंड्स, इनके बारे में हमें ऐसा लगता है कि नहीं, आज नहीं कल करेंगे तो भी चलेगा, फैमिली के साथ फिर घूमने जाएंगे, अभी तो ये काम है, अभी ये करना है, यहाँ से ये कर लेना है। तो ये सारी चीज़ों में एक सोच मेरे दिमाग में ये आई कि कहीं हमारी दुनिया में भी किसी ने हमसे पहले कोई प्राइस टैग तो बदल नहीं दिया ना, क्योंकि जो अनमोल चीज़ें हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, लव, इसकी प्राइस आज की दुनिया में बहुत ही कम दिख रही है। और जो बहुत ही मामूली चीज़ें हैं, पैसा, कंपटीशन, पोजीशन, पावर, उसको लोग इतनी तवज्जो दे रहे हैं और पूरी ज़िंदगी उसी में अपनी खर्च कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये प्राइस टैग कहीं बदल गई है। सो आज मैंने ये चीज़, जब ये सपना देखा और ये जाना, तो मुझे लगा कि कुछ बदलाव मुझे मेरी ज़िंदगी में करने होंगे। एंड दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि अब फैमिली, फ्रेंड्स और उसके साथ जो टाइम है उसे जीवन में ज़्यादा तवज्जो देना है, क्योंकि एंड ऑफ द लाइफ ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना बंगला है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी दौलत है, बैंक बैलेंस कितना है, बट ये मैटर ज़रूर करता है कि आपके रिलेशनशिप सबसे कैसे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है या नहीं, फैमिली के बीच में एक दूसरे से प्यार है या नहीं। तो मैंने तो सही चीज़ की सही वैल्यू जब पहली बार ये सपना देखा तब जान ली। एंड आई डिसाइडेड कि अब जहाँ पर भी हम हमारी ट्रेनिंग देंगे, कुछ भी करेंगे, तो आई ऑलवेज मैं मेरी फैमिली को भी साथ में उतना ही टाइम देने की कोशिश करूँगा। दैट्स व्हाई आज हम यहाँ पर गोवा में हैं, ट्रेन द ट्रेनर कर रहे हैं। पूरे इंडिया से गर्भ संस्कार के ट्रेनर यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेला गोवा नहीं आऊँगा, मैं
मेरी वाइफ और मेरी बेटी उसको भी साथ में लेकर आया हूँ, क्योंकि काम जितना इम्पॉर्टेंट है उतनी ही फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा आज का मैसेज उन सभी पुरुषों के लिए है जो हमेशा जिंदगी में कैरियर, पैसा, पोजीशन, नौकरी उसकी चिंता में और उसी के पीछे दौड़ लगाए बैठे हैं। उन्हें ये भी समझने की ज़रूरत है कि फैमिली, रिलेशन, प्यार, दोस्ती, इसकी वैल्यू बहुत है, थोड़ा टाइम उसे भी देना चाहिए। दैट्स वाई मेरा टाइम आया और मैं जाग गया। नाउ दिस इज़ योर टाइम। यस, एक सपना जिसने मेरी नींद उड़ा दी। और नाउ ये वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाउ दिस इज़ योर टाइम, कि आपको भी जागना होगा और ये चीज़ों को समझना होगा। जितना जल्दी इस चीज़ों को समझकर हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, खुशियाँ और फुलफिलमेंट उतना ही हमें देखने को मिलेगा हमारी लाइफ में। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।